नमस्कार, मैं भावेंद्र चक्रधारी, ज्ञानज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरी कक्षा का हिंदी विषय चैप्टर 14। ठीक है, चैप्टर 14 में क्या है, गरीबी दोष। क्या है? गरीबी दोष। और ये एक कहानी है, तो इस कहानी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ सिद्धार्थ लिखाऊंगा, उसको ध्यान से आपको पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सिद्धार्थ ने विकास, क्या लिखा है यहाँ पर, विकास। विकास का मतलब है वृद्धि। क्या है? वृद्धि। और क्या है यहाँ पर, बढ़ाना। वृद्धि और बढ़ाना है ना। वृद्धि का मतलब जैसे कि हम लोग किसी के तहत कम रहता है, किसी का बढ़ता है कि नहीं, इसको बोलते हैं बढ़ाना, वृद्धि, ये सब है। ठीक है, उसके बाद में लिखते हैं यहाँ पर सूरत। सूरत, सूरत का मतलब क्या है, चेहरा। चेहरा, सूरत का मतलब क्या है, चेहरा, फेस, इसको बोलते हैं सूरत। ठीक है, जवाब। जवाब का मतलब यहाँ पर है जवाब। जवाब का मतलब है उत्तर। क्या है? उत्तर। ठीक है, जैसे कि कोई प्रश्न करते हैं उसका उत्तर हम लोग देते हैं, और क्लास में भी वैसे कक्षा में प्रश्न गुरु जी या टीचर पूछते हैं तो उसको उत्तर हम लोग देते हैं, वो वहां उत्तर, जवाब है ना, उत्तर। उसके बाद में सहायता। क्या है? सहायता। सहायता का मतलब क्या है, मदद। हेल्प यानी हम लोग जैसे कि एक दूसरे का हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो इसको क्या बोला गया है यहाँ पर, सहायता। ठीक है, विश्वास, भरोसा का मतलब है विश्वास, भरोसा। भरोसा का मतलब क्या है, विश्वास, विश्वास। विश्वास का मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास करके उसके बात मानते हैं, उसके और कुछ काम कर सकते हैं, है कि नहीं। तो जैसे कि हम लोग विश्वास करते हैं एक दूसरे के ऊपर में, तो क्या होता है, कभी कभी वो विश्वास को हम लोग तोड़ देते हैं, तो हमें क्या होता है, बहुत दुख होता है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं स्वयं। लिखा है स्वयं, स्वयं का मतलब क्या है, खुद, अपने आप, अपने आप। ठीक है, स्वयं का मतलब क्या है, अपने आप, खुद। तो ये चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आप लोग एक बार फिर से बता देंगे शब्दार्थ का अर्थ। ठीक है, ये कठिन शब्द का अर्थ, विकास। विकास का मतलब वृद्धि, बढ़ाना। ठीक है, उसके बाद में सूरत। सूरत का मतलब है चेहरा, फेस। जवाब, जवाब का मतलब उत्तर, आंसर, रिप्लाई, इसको बोलते हैं जवाब। सहायता, सहायता का मतलब है मदद, किसी की मदद करना, गरीब का मदद करना, असहायों को मदद करना, ये सब क्या है, सहायता। भरोसा, भरोसा के मतलब है विश्वास करना, हम लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं, उसको बोला जाता है विश्वास करना, भरोसा करना। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर स्वयं, स्वयं का मतलब है अपने आप, अपने आप को बोला गया यहाँ पर स्वयं। ठीक है, तो चलो हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं। कहानी को पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या आप अपना काम स्वयं करते हैं? आप लोग को बोला गया है क्या आप अपना काम अभी स्वयं करते हैं? क्या आपका बस्ता कौन उठाता है? आप लोग जब स्कूल आते हैं तो अपना बस्ता कौन उठाता है? आप लोग खुद उठाते हैं या फिर अपने घर के कोई बुजुर्ग उठाते हैं? आपके जूते कौन पॉलिश करता है? आपके जब जूते मैला हो जाते हैं तो उसको कौन पॉलिश करता है, कौन साफ करता है? क्या आप स्कूल जाने के लिए खुद तैयार होते हैं या नहीं? आप स्कूल जाने के लिए खुद तैयार होते हैं या फिर आपको कोई दूसरा तैयार करता है? पढ़िए, समझिए और अपने भीतर अच्छी आदतों का विकास कीजिए। तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस अपने अंदर में इससे क्या अच्छी आदत को विकास करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर पारुल को स्कूल के लिए देर हो रही थी। तो यहाँ पर एक लड़की है, आप लोग को दिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो इसके नाम है पारुल, आप लोग देख रहे हैं चित्र में, इसके नाम क्या है, पारुल, और ये इसके मम्मी है। ठीक है, तो पारुल को, ये पारुल है, स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर उसका बैग है कि नहीं, यहाँ पर उसका बैग है, बस्ता है, और उसके मम्मी क्या कर रही है यहाँ पर, रसोई में है, यहाँ पर हाथ हाथ धो रही है। ठीक है, तो पारुल को स्कूल के लिए क्या हो रही थी, देर हो रही थी। माँ जल्दी चलो, बस निकल जाएगी, पारुल ने चिल्ला कर कहा। तो पारुल जो थी वो क्या चिल्ला करके अपने माँ को क्या बोली कि माँ जल्दी चलो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी, स्कूल के बस निकल जाएगी, बोल करके पारुल ने अपने माँ को चिल्ला करके बोली। ठीक है, उसके बाद में उसकी माँ क्या बोली कि हाँ हाँ तुम चलो, मैं हाथ धो रही हूँ, फिर तुम्हारा बस्ता उठाकर
लाती हूँ। उसके बाद उसके बाद में क्या बोली, हाँ तुम चलो मैं हाथ धो रही हूँ, उसके बाद में तुम्हारा वस्त्र उठा करके मैं जाऊंगी, बोल करके उसकी माँ बोले लगी। माँ ने दूसरे घर से जवाब दिया, फिर परुल रुमाल जेब में रखकर भागी। उसके बाद में परुल क्या की कि अपने रुमाल जो है उसको फोल्ड करके अपने जेब में रखी और वहां से निकलने लगी, यानी अपने घर से निकलने लगी। गली के मोड़ पर उसने देखा स्कूल की बस स्टॉप पर आ गई थी। उसके बाद में जहां पर वो बस चढ़ती है, गली के मोड़ पर बस चढ़ती है तो वहां पर बस आ गई थी, ठीक है। पारुल और तेज भागी। उसके बाद में बस को देख करके पारुल बहुत तेज से भागने लगी, बस के पास में जाने लगी। देखा माँ भी पीछे आ रही थी। उसके बाद में पारुल जैसे ही बस के पास में जाने लगी, किसी तरफ फिर मुड़ करके देखी तो उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे सामने आ रही थी, ठीक है। यानी लेकिन जो पारुल थी वो पहले आ रही थी और उसकी माँ बहुत थोड़ी सी पीछे में थी। देखा माँ भी पीछे आ रही थी। स्टॉप पर पहुंचते ही बस हिलने लगी। उसके बाद में जैसे ही स्टॉप पर पहुंची तो बस हिलने लगी, यानी जाने लगी। तो फिर पारुल दौड़ करके बस में चढ़ गई। उसके बाद में जैसे ही बस चलने लगी तो बस दौड़ करके बस में चढ़ गई पारुल। एक बच्चे ने आवाज दी, ड्राइवर चलो, पारुल आ गई। उसके बाद में एक बच्ची ने बस के अंदर से आवाज दी कि ड्राइवर चलो, पारुल आ गई। उसके बाद में और बस चल पड़ी। उसके बाद में बस धीरे धीरे चल पड़ी, निकल गई। मगर मेरा बस्ता, पारुल चिल्लाई। उसके बाद में पारुल जोर से चिल्ला के बोली, मगर मेरा बस्ता, मैं बस्ता नहीं लाई हूँ, बोल करके वो चिल्लाने लगी। पर बस तब तक अगले मोड़ पर पहुंच गई थी, लेकिन जब चिल्ला रही थी तो उससे बस अगले मोड़ पर चले गई। चिल्लाते चिल्लाते बस अगले मोड़ पर वो चले गई। पारुल की रोली सूरत देखकर भास्कर ने कहा। उसके बाद में पारुल ने भास्कर पारुल ने जैसे ही पारुल अपने बस पर चढ़ी तो चढ़ने के बाद में उसके दोस्त थे, कौन कौन थे, भास्कर और भास्कर और यहाँ पर कौन है, भास्कर और उसके दोस्त वहां पर बैठे थे। तो पारुल की रोनी सूरत देखकर भास्कर ने कहा, पारुल की रोनी सूरत को देखकर के भास्कर ने कहा कि क्या हुआ पारुल, उससे प्रश्न किया। यानी भास्कर जो था वो पारुल से प्रश्न किया कि क्या हुआ पारुल, मेरा बस्ता तो माँ के पास ही रह गया। उसके बाद में पारुल ने जवाब दिया कि मेरा बस्ता तो जो है, बस्ता मेरा जो है माँ के पास में रह गया, बोल करके पारुल ने भास्कर को जवाब दिया। अब मैं स्कूल जाकर क्या करूंगी, फिर वो रोने से सूरत में, यानी उसके मन उदास हो गया, दुख हो गया, जब बैग नहीं लाया लाई तो उसके मन उदास हो गया और वो रोने लगी कि अब मैं स्कूल जाकर के क्या करूंगी, ठीक है, यानी स्कूल जाकर के क्या करूंगी। पारुल परेशान थे। उसके बाद में पारुल जो थी वो बहुत परेशान थी, उसके मन उदास थे और वो बहुत दुखी थी। जैसे कि हम लोग कभी कभी स्कूल में क्या करते हैं कि कुछ भूल जाते हैं, बैग में हड़बड़ हड़बड़ में कुछ भूल जाते हैं, अपने बस्ता में कुछ जैसे कि पेंसिल भूल जाते हैं, कभी कभी इरेजर, कभी शार्पनर, कभी कुछ कॉपी को, कभी कुछ कॉपी में होमवर्क भी नहीं करते, कभी कुछ पढ़ने के लिए देते हैं उसको भी भूल जाते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोग स्कूल में क्या करते हैं, डांट खाते हैं टीचर से, अपने टीचर से, शिक्षक से डांट खाते हैं, गाली देते हैं बहुत, है कि नहीं। तो इस तरह से वो भी अपना बस्ता जो थी वो छोड़ करके बस में चढ़ गई। अगला स्टॉप भी पार कर चुकी थी। उसके बाद में धीरे धीरे पारुल परेशान थी, तब तक घर घर करती बस अगले स्टॉप पर पहुंच गई, यानी दो तीन स्टॉप आगे चली गई। मगर तुम्हारा बस्ता तुम्हारी पीठ पर क्यों नहीं था, भास्कर ने पूछा। उसके बाद में भास्कर ने जो पारुल थी उसको क्या पूछा कि भास्कर ने पारुल को क्या पूछा, मगर तुम्हारा बस्ता तुम्हारे पीठ पर क्यों नहीं था। जैसे कि हम लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल निकलते हैं तो अपना बस्ता को अपने कंधे पर रख लेते हैं, रखते हैं कि नहीं। तो उस तरह से भास्कर जो था वो प्रश्न किया कि तुम्हारा बस्ता तुम्हारे पीठ पर क्यों नहीं था, बोल करके पारुल को पूछना। मेरा बस्ता बहुत भारी होता है। उसके बाद में जो पारुल थे वो क्या बोले कि मेरा बस्ता बहुत भारी होता है, बहुत बहुत वजन होता है वह, तो हमेशा माँ ही बस स्टॉप पर लाती है, तो वो वहां सब हमेशा वहां पर यहाँ पर लाती है, बस स्टॉप पर ही लाती है, पारुल ने जवाब दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भास्कर ने क्या पूछा कि भास्कर ने पारुल को पूछा कि मगर तुम्हारा बस्ता तुम्हारे पीठ पर क्यों नहीं था। भास्कर ने जब पारुल को पूछा कि तुम्हारा बस्ता तुम्हारे पीठ पर क्यों नहीं था, तो पारुल ने क्या जवाब दिया कि मेरा बस्ता बहुत भारी होता है, वह तो हमेशा माँ ही बस स्टॉप पर लाती है। तो पारुल ने क्या जवाब दिया कि मेरा बस्ता बहुत भारी होता है, बहुत वजन होता है, तो माँ ही हमेशा मेरा बस्ता को उठा करके बस स्टॉप पर लाती है, बोल करके यहाँ पर पारुल ने जवाब दिया। ठीक है, पर पारुल मैं और मीना अपना बस्ता खुद ही उठा लाते हैं, उठा कर लाते हैं।
भास्कर बोला, उसके बाद में भास्कर ने क्या बोला कि मैं और मीना मीना, यहाँ पर भास्कर है, ये मीना है, आप लोग देख रहे हैं ठीक से, ये भास्कर और ये मीना और ये पारुल, ठीक है। तो भास्कर ने क्या जवाब दिया कि मैं और मीना हमेशा अपना वस्त्र को खुद उठाकर लाते हैं, बोल करके भास्कर ने पारुल को और पारुल को बता दिया, ठीक है। हाँ, मेरा वस्त्र भी तुम्हारे वस्त्र जितना ही भारी है, तो मेरा जो वस्त्र है वो तुम्हारे वस्त्र जितना भी भारी है, मीना ने कहा। उसके बाद में मीना क्या कहा कि मेरा वस्त्र जितना भारी है तुम्हारा वस्त्र भी उतना ही भारी है, और लेकिन मेरी माँ तो बाहों और कंधों में दर्द होता है, हो जाता है, पारुल ने बताया। इसके बाद में पारुल ने क्या बताया कि मैं जब वस्त्र उठाती हूँ तो मेरा जो कंधा है और बाहें ये बहुत वजन से बहुत दर्द होने लगती है, बोल करके जो पारुल थी वो बता रहे हैं, ठीक है। नहीं, हम नहीं मानते, स्कूल में रस्सा कस्सी खेल में तो तुम खूब जोर लगाकर खेलती हो, मीना बोली। उसके बाद में मीना क्या बोली पारुल को कि नहीं, हम नहीं मानते, ये वजह होता है, दर्द होता है, क्योंकि हम नहीं मानते, क्योंकि तुम स्कूल के जब खेल खेलते हैं, बच्चे स्कूल में जब खेल खेलते हैं तो वहां पर तुम क्या करते हो, खूब जोर लगाती हो, रस्सा कस्सी खेल जो खेलते हैं तो उसमें तुम क्या करते हो कि बहुत खूब जोर लगाती हो उसको, यानी उसमें बहुत जोर लगाती हो, ताकत लगाती हो, तो ये बस्तर को अपना बस्तर को क्यों उठा नहीं सकती, बोल करके जो मीना थी वो बोलने लगी, ठीक है। देखो पारुल, हमारे सभी कामों में मदद करने वाले हमारे दस दोस्त होते हैं, हमें उन्हें उन्हीं से सहायता लेनी चाहिए, भास्कर ने कहा। उसके बाद में भास्कर ने पारुल को क्या कहा कि देखो पारुल, हमारे सभी कामों में मदद करने वाले, हमारे जितने भी काम हैं उस सभी काम में मदद करने वाले हमारे दस दोस्त होते हैं, हमें उन्हीं से सहायता लेनी चाहिए। तो भास्कर ने कहा हमें हमारे जो दस दोस्त होते हैं हमें उन्हीं से सहायता लेनी चाहिए, बोल करके भास्कर ने पारुल को बताया, ठीक है। दस दोस्त पर मेरे तो बस तुम दोनों ही दोस्त हो, पारुल ने हैरान हो गए। उसके बाद में पारुल जो थी वो हैरान होकर के बोली कि दस दोस्त, लेकिन मेरे तो बस तुम दोनों ही दो ही दोस्त को, बोल करके पारुल ने मीना और भास्कर हंसने लगे। उसके बाद में पारुल की बात को सुनकर के मीना और भास्कर जो थे वो क्या करने लगे, हंसने लगे। नहीं, हम उन दस दोस्तों की बात कर रहे हैं जो सबके पास है। उसके बाद में मीना और पारुल और भी हैरान थी, बोली देखो साफ साफ बताओ। उसके बाद में पारुल और मीना क्या बोले कि नहीं, हम उन दस दोस्तों की बात कर रहे हैं जो सबके पास है। पारुल और मीना, भास्कर और मीना क्या बोले कि हम उन दस दोस्तों के पास बात बोल रहे हैं जो सबके पास में होते हैं, देखो। उसके बाद में साफ साफ बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बोल करके भास्कर देखो साफ साफ बताओ। उसके बाद में जो पारुल थी वो क्या बोले कि देखो साफ साफ बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप किस दोस्त के बाद में बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आप लोग साफ साफ बताओ, बोल करके पारुल ने बोलने लगे। भास्कर ने कहा देखो यहाँ पर दो हाथ, कौन कौन है, दस दोस्त कौन कौन से हैं, दो हाथ, ठीक है, दो हाथ, फिर क्या है, दो पांव, दो आंख, दो आंखें, ठीक है। उसके बाद में दो कान, एक नाक और एक मुंह, एक नाक और एक मुंह, ठीक है। कौन कौन हमारे दस दोस्त होते हैं, दो हाथ, ठीक है, दो पांव, दो आंख, दो कान, एक नाक, एक मुंह, इसको काउंट करते हैं कितना हो गया, यहाँ पर दो हाथ मैंने दो हो गया, दो पांव ये भी दो हो गया, दो आंख ये भी दो हो गया, ठीक है, दो कान ये भी दो हो गया, एक नाक, यहाँ पर एक नाक और एक मुंह, ठीक है। टोटल काउंट करते हैं कितना हो रहा है, यहाँ दो दो चार छः दो आठ एक नौ एक दस, ठीक है, कितना हो गया टोटल, दस। तो हमारे ये क्या है, दस करीबी दोस्त ने बोल करके जो भास्कर है वो पारुल को समझा रहा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भास्कर ने कहा, देखो
दो हाथ, दो पांव, दो आंखें, दो कान, एक नाक और एक मुंह, हो गया ना सर। तो यहाँ पर बताया कि जो भास्कर का होता है कि दो हाथ, दो पांव, दो आंखें, दो कान, एक नाक, एक मुंह। इस तरह से हमारे कितने दोस्त हो गए, 10 हो गए ना, 10 दोस्त जोड़ करके जो भास्कर था वो पारुल को समझा, ठीक है। उसके बाद में ओह पारुल बोली, फिर पारुल पारुल क्या बोली, आश्चर्य होकर के ओह अरे ये तो मुझे मालूम नहीं था, बोलकर ये तो हमारे शरीर के अंग है। और फिर पारुल क्या बोली कि ये तो जितने आप बताए वो सब क्या है, हमारे शरीर के एक एक अंग है, बोलकर के बोलने लगे। इन्हें दोस्त क्यों कहते हो, तो ये दोस्त कैसे है, ये तो हमारे शरीर के अंग है और इसको आप दोस्त क्यों कह रहे हो, क्योंकि वो बोलने लगे, बोलने लगे। उसके बाद में क्योंकि इन पर भरोसा करके इन्हीं से सब काम करोगी तो तुम ताकतवर बन जाओगी। उसके बाद में भास्कर जो था वो क्या बोलने लगा कि अगर तुम इसके ऊपर में भरोसा करके अपने सब सारे काम करोगे तो ताकतवर बन जाओगी, यानी ताकतवर बन जाओगी, इसको अपने प्रयोग में ला करके काम करोगी तो तुम ताकतवर बन जाओगे, करके भास्कर जो था वो पारुल को बोलने लगे। इससे तुम्हें अपने सभी काम अपने आप करने की आदत पड़ जाएगी, भास्कर ने समझाया। उसके बाद में भास्कर ने पारुल को क्या समझाया कि इससे तुम अपने सभी काम अपने आप करने की आदत पड़े, अगर इसका प्रयोग करोगे तो तुम्हें अपने आप अपने काम का आदत पड़ जाएगा, बोल करके जो भास्कर था वो पारुल को समझाने लगे, ठीक है। उसके बाद में बिल्कुल ठीक मैं समझ गई, उसके बाद में पारुल जो थी वो क्या बोलने लगे कि बिल्कुल ठीक और मैं समझ गई, अगर आज स्कूल में मगर आज स्कूल में मैं क्या करूँ, बोल करके पारुल जो थी वो फिर बोलने लगे, मेरे पास तो बस्ता नहीं है लेकिन मैं आज स्कूल में जाकर के क्या करूं, फिर पारुल जो थी वो बोलने लगी और उससे परेशान थी, ठीक है। आज तुम मेरे बस्ते से सामान बांट लेना, मीना ने कहा। उसके बाद में मीना जो थी वो क्या कहने लगी कि आज तुम मेरे बस्ते से आधा सामान बांट लेना, बोल करके मीना जो थी वो बोलने लगी। फिर धन्यवाद, और आगे से अब मैं भी अपने सबसे करीबी के 10 दोस्तों का ही इस्तेमाल करूंगी। उसके बाद में जो पारुल ने हंसकर कहा, पारुल ने उसके बाद में क्या कहा, हंस करके अपने दोस्तों को धन्यवाद दिया। किन दोस्तों को, भास्कर को और मीना को धन्यवाद दिया हंस करके, और क्या बोली कि आगे आगे और आगे आगे से अब मैं भी अपने सबसे करीबी के 10, यानी आगे से मैं अपने सबसे जितने भी करीबी 10 दोस्त हैं, करीबी 10 दोस्तों को का ही इस्तेमाल करूंगी, बोल करके जो पारुल थे वो बोल करके हंसने लगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये चैप्टर आप लोग को मैं समझा दिया, करीबी दोस्त ये कहानी, ये कहानी को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे आशा करता हूँ, ये कहानी को आप लोग अच्छे से समझा कर लिखेंगे और पढ़ेंगे, अगर समझ नहीं आएगा तो मैं क्लास में आकर फिर से पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग को ये कहानी से क्या समझ में आया कि एक लड़की रहती है, ठीक है, आप लोग को फिर से बता दे रहा हूँ, एक लड़की रहती है उसके नाम है पारुल। तो पारुल क्या करती है, अपना काम खुद नहीं करती, वो आलसी है, ठीक है, अपना काम खुद नहीं करती, आलसी है, यानी जैसे ही वो अपने घर से तैयार होकर निकलती है तो उस समय में पारुल क्या बोलती है अपनी मम्मी को कि माँ बस निकल जाएगी जल्दी चलो, बोल करती है। तो उसकी माँ क्या जवाब देती है, ठीक है तुम चलो, मैं अपना हाथ धोकर के तुम्हारा बस उठा करके लाती हूँ, बोल करती है, ठीक है। तो उसकी माँ वैसे बोलती है, तो जैसे ही पारुल अपने घर से निकल जाती है तो मोड़ पर यानी बस स्टॉप जहाँ पर बस रुकती है वहां पर पारुल देखती है कि वहां पर बस आ गई है और दौड़ के भगती है। तो जैसे ही बस भग जाएगी वो दौड़ के भगती है और पीछे तरफ देखती है कि माँ आ रही है, ठीक है। तो जैसे ही बस चलने लगती है धीरे धीरे, बस स्टॉप के बाद में थोड़े से रुक के चलने लगती है, तो जैसे ही दौड़ करके बस में चढ़ती है पारुल, जैसे ही बस में दौड़ करके जाकर के चढ़ जाती है तो वहां पर बस में बच्चे बैठे रहते हैं, तो वहां पर एक लड़की बच्ची आवाज देती है कि ड्राइवर भैया चलो पारुल आ गई है। तो जैसे ही बस चलने लगी है तो वो चिल्ला कर बोलती है, पारुल जो थी वो चिल्ला करके बोलती है कि मगर मेरा बस्ता, बोल करके वो चिल्लाने लगी, मगर मेरा बस्ता, मैं तो अपना बस्ता नहीं लाई, बोल करके वो चिल्लाने लगी। तो जैसे ही वो चिल्लाती है तो क्या होता है कि उसके बस के अंदर में जाकर बैठती है तो उसके दो दोस्त मिलते हैं, कौन कौन, मीना और भास्कर, उसके दो दोस्त मिलते हैं, किनको मिलते हैं, पारुल को। तो पारुल को फिर उन लोग क्या करते हैं, समझाते हैं अब मैं स्कूल जाकर क्या करूंगी। फिर पारुल सोचने लगती है और मन उदास हो जाती है कि मैं अब स्कूल जाकर के क्या करूंगी, मेरा बस्ता मैं नहीं लाई, मेरे बस्ता मेरे मम्मी के पास में
अटक गई है यानी रुक गई होकर के बोलती है ठीक है, मगर तुम्हारा वस्त्र तुम्हारी पीठ पर क्यों नहीं था। तो भास्कर ने फिर क्या जवाब पूछता है कृष्ण, मगर तुम्हारे वस्त्र तुम्हारे पीठ पर क्यों नहीं था जब तुम स्कूल आ रहे थे विद्यालय आने के लिए आने के लिए निकले तो तुम्हारे वस्त्र तुम्हारे पीठ पर क्यों नहीं थे। तो परम ने क्या बोली कि मेरा वस्त्र बहुत भारी है बहुत वजन है और मैं अपना वस्त्र कभी नहीं खाती, मेरे मम्मी मेरे वस्त्र को बस स्टॉप पर यानी बस स्टॉप जहाँ बस रुकती है वहाँ पर वहाँ तक के ला देते हैं हर रोज घूम करके। परम जो थी वो बोलने लगे ठीक है पर परम मैं और मीना अपना वस्त्र खुद ही उठाकर लाते हैं। भास्कर जो था वो क्या बोला क्योंकि पर परम मैं और मीना क्या करते हैं अपना वस्त्र जो है उसको खुद उठाकर लाते हैं खुद उठाकर लाते हैं खुद उठाकर ले जाते हैं वो बोलने लगे ठीक है। उसके बाद में मीना ने हाँ मेरा वस्त्र भी तुम्हारे जितना भी भारी है। उसके बाद में मीना ने क्या कहा कि मेरा वस्त्र जितना वजन है तुम्हारा वस्त्र भी उतना वजन है बोलकर के मीना ने कहने लगी किसको कहने लगी परम को कहने लगी। उसके बाद में क्या है कि लेकिन मेरी तो बाहें और कंधे में दर्द हो जाता है परम ने बताया। उसके बाद में परम ने क्या बताया कि मेरा कंधे और बाहें जो है वो दर्द होने लगती है। उसके बाद में मीना क्या बोली कि नहीं हम नहीं मानते। उसके बाद में मीना परम को बोली कि नहीं हम नहीं मानते तुम तो स्कूल के जब खेल होते हैं यहाँ पर स्कूल में रस्साकसी खेल में तो तुम बहुत जोर लगा कर खेलती हो स्कूल के जब रस्साकसी खेल होते हैं तो उसमें तुम बहुत जोर लगा कर खेलती हो तो हम ये सब नहीं मानते बोल करके जो मीना थी वो बोलने लगे ठीक है। देखो परम हमारे सभी कामों में मदद करने वाले हमारे 10 दोस्त होते हैं। उसके बाद में जो परम थी क्या बोले की परम नहीं भास्कर क्या बोले की देखो परम हमारे सभी कामों में मदद करने वाले हमारे 10 दोस्त होते हैं यानी हमारे करीबी 10 दोस्त होते हैं 10 दोस्त पर मेरे तो बस तुम दोनों ही दोस्त हो। परम ने हैरान हो गई। उसके बाद परम जो थी वो हैरान हो गई बोली 10 दोस्त लेकिन मेरे तो तुम दो ही दोस्त हो बोल करके वो बोलने लगे। मीना और भास्कर हंसने लगे। उसके बाद में मीना और भास्कर क्या करने लगे हंसने लगे नहीं हम उन 10 दोस्तों की बात कर रहे हैं जो सबके पास है। उसके बाद में फिर क्या बोलते हैं भास्कर और मीना की नहीं हम उन 10 दोस्तों के बारे में बात कर रहे हैं जो हम सबके पास में है। परम और भी हैरान थी। उसके बाद में परम और भी हैरान हो गई बोली देखो साफ साफ बताओ। उसके बाद में परम क्या बोली कि देखो साफ साफ बताओ कि आप लोग किस 10 दोस्तों किन 10 दोस्तों के बारे में बात कर रहे हो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। परम बोलने लगे फिर भास्कर ने कहा देखो दो हाथ दो पांव दो आंख दो कान एक नाक और एक मुंह। फिर भास्कर ने क्या जवाब दिया कि देखो यहाँ पर कितने दोस्त हैं 10 दोस्त तो क्या क्या है वो दो हाथ हमारे 10 दोस्त हुए दो पांव हमारे दोस्त हैं दो आंख हमारे दोस्त हैं दो कान हमारे दोस्त हैं एक नाक और एक मुंह भी हमारे दोस्त हैं। तो इस तरह से हमारे 10 दोस्त हो गए ठीक है। तो इस तरह से वो भास्कर ने किसको समझाया परम को समझाया। फिर परम ने क्या बोला कि परम ने बोले कि ओह परम बोली ओह यानी परम क्या बोली थी ओह यानी आशा जैसे वो बोली ये तो हमारे शरीर के अंग है। परम क्या बोले फिर ये तो हमारे शरीर के अंग है इन्हें दोस्त क्यों कहते हो हमारे शरीर के लिए तो अंग है यानी हमारे जो शरीर है इसके तो ये अंग है लेकिन इसको आप दोस्त क्यों बोल रहे हो क्योंकि परम थी वो भास्कर को बोलने लगे फिर क्योंकि इन पर भरोसा करके इन्हीं से सब काम करोगी तो तुम ताकतवर बन जाओगी। उसके बाद में भास्कर जो था बोलने लगे परम को कि इन पर हमारे जितने भी ये 10 दोस्त हैं इन पर अगर भरोसा करके जितने काम करोगे तो तुम क्या बन जाओगी ताकतवर बन जाओगे भास्कर जो था वो परम को बोलने लगे ठीक है इससे तुम्हें अपने सभी काम अपने आप करने की आदत पड़ जाएगी। इससे तुम अगर भरोसा करके अपने काम करोगे तो इससे तुम्हें जितने भी काम है सारे काम हर रोज करोगे तो इससे काम करने की आदत पड़ जाएगी। और भास्कर ने परम को समझाया इस तरह से बिल्कुल ठीक मैं समझ गई। उसके बाद में परम क्या बोले की बिल्कुल ठीक मैं समझ गई अगर आज स्कूल में क्या करूं सॉरी यहाँ पर बिल्कुल ठीक मैं समझ गई। उसके बाद में परम बोले की बिल्कुल ठीक आप जो कह रहे हो वो सही है और मगर मैं आज स्कूल जाकर के क्या करूँ मेरे पास तो वस्त्र नहीं है बोल करके परम फिर परेशान होकर के बोली ठीक है आज तो तुम मेरे वस्त्र से सामान बांट लेना मीना ने कहा। फिर मीना ने क्या कहा कि आज तुम मेरे वस्त्र से आधा आधा सामान हम बांट लेंगे और पढ़ाई करेंगे बोल करके जो उसके दोस्त थे मीना वो परम को बोले लगे। उसके बाद में क्या है धन्यवाद और आगे से अब मैं भी अपना अपने सबसे करीब के 10 दोस्तों का ही इस्तेमाल करूंगी। उसके बाद में परम ने हंसकर क्या बोली कि
अपने दोनों दोस्तों को धन्यवाद दी और हंसकर बोली कि ठीक है, मैं आगे से अपने जो 10 दोस्त हैं उनका इस्तेमाल करके अपना काम स्वयं करूंगी, बोल करके वो बोलने लगी और अपने दोनों दोस्तों को धन्यवाद। ठीक है, तो इस कहानी से हम क्या सीखे बच्चों, इस कहानी से हम सीखे कि अपना जो काम है वो खुद करना चाहिए। ठीक है, अपना जो काम है उसको खुद करना चाहिए और इस कहानी से हमें अपना काम स्वयं करने का क्या दिया गया है, सीख मिलता है। ठीक है तो बच्चों, आप लोग को ये चैप्टर 14 करीबी दोस्त, ये कहानी के बारे में आप लोग को बता दिया मैं और इसका जितना भी शब्दार्थ है इसको भी बता दिया मैं। तो आप लोग को आशा करता हूँ ये चैप्टर आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग क्या करोगे, घर में एक बार बुक को देख करके आप लोग क्या करोगे, पढ़ोगे और शब्दार्थ को भी पढ़ोगे और याद रखोगे। ठीक है, तो इसके बाद में आते हैं हम यहाँ पर, कुछ यहाँ पर मौके दिए हैं मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो बुक में, यहाँ पर है शुद्ध उच्चारण कीजिए। ठीक है, यहाँ पर है शुद्ध उच्चारण करने का यहाँ पर बोला गया है, तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं तो इसका हम लोग क्या करेंगे, शुद्ध उच्चारण करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है रसोई घर, ड्राइवर, भास्कर, रस्सा कस्सी, धन्यवाद, इस्तेमाल। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पर, रसोई घर, ड्राइवर, भास्कर, रस्सा कस्सी, धन्यवाद, इस्तेमाल। ठीक है, तो इसको क्या करना है हम लोग को, शुद्ध उच्चारण करके पढ़ना है। उसके बाद में आते हैं यहाँ पर बताइए, यानी मौके के ये आप लोग बताने जा रहा हूँ। प्रश्न क्या है पहला का, पारुल अपना बस्ता क्यों नहीं उठाती थी। तो जो पारुल थी वो अपना बस्ता क्यों नहीं उठाती थी, क्योंकि वो आलसी थी और अपना काम खुद करना नहीं चाहती, यानी उसको उठाने में कंधे और हाथ जो बाहें हैं वो दर्द देती है, बोलकर के वो बहाना बना रही थी, लेकिन वो उठा सकती थी, अपना काम खुद कर सकती थी, लेकिन वो आलसी थी इसलिए वो नहीं करती थी, वो करना नहीं चाहती इसलिए वो नहीं उठाती। ठीक है, उसके बाद में खाना मतलब प्रश्न क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर हमारे करीबी 10 मित्र कौन है। आप लोग को बताया हूँ हमारे करीब 10 मित्र कौन है, यहाँ पर आपके सामने ब्लैक बोर्ड में लिख दिया है, यहाँ पर दो हाथ, ये दो दोस्त हो गए, उसके बाद में दो पांव, ये दोस्त थे, उसके बाद में दो आंखें, दो कान, एक नाक, एक मुंह, ये किस तरह से हमारा दोस्त है, यानी दो हाथ, दो हाथ हमारे किस काम में आते हैं, बुक पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, लिखने के लिए, खाना पकड़ने के लिए, खाना उसको मुंह में मुंह तक ले जाने के लिए, ये सब काम में आते हैं। उसके बाद में दो पांव जो है वो किस काम में आते हैं, चलने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ये काम में आते हैं, है कि नहीं, यानी हमारे जो 10 दोस्त हैं वो हर एक प्रकार के अलग अलग अपने काम में करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आंखें, तो आंख हैं, तो दो आंख किस काम में आते हैं, देखने के लिए, पढ़ने के लिए, यानी हम लोग देखेंगे तभी तो पढ़ेंगे, बिना देख करके पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, तो आंख हमारे इस तरह से मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है, तो काम, अगर हम लोग शिक्षक अगर कुछ पढ़ाएंगे उसको नहीं सुनेंगे तो ये कुछ काम नहीं आएगा, यानी दो काम भी हमारे 2 दोस्त हो गए, इस तरह से हमारे 2 दोस्त हैं। उसके बाद में एक नाक भी हमारे दोस्त है, नाक से हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं और सांस लेते हैं, अगर नाक नहीं होता हम लोग जीवित भी नहीं रह सकते, है कि नहीं। उसके बाद में एक मुंह, मुंह भी हमारे काम की चीज है, यानी दोस्त है कि नहीं, अगर मुंह में हम लोग खाने नहीं खाएंगे तो ताकत हमें नहीं मिलेगी, है कि नहीं, इस तरह से हमारे ये 10 करीबी दोस्त हो गए। उसके बाद में यहाँ पर क्या प्रश्न है, हमारे अंग हमारे दोस्त किस प्रकार बनते हैं, तो हमारे अंग जो है हमारे दोस्त किस प्रकार के होते हैं, आपको मैं बता दिया कि हाथ का काम क्या है, पाँव का काम क्या है, आंख का काम क्या है, कान का, नाक का, मुंह का, ये सारे का काम मैं आप लोगों को बता दिया, तो ये इस प्रकार के हमारी मदद करते हैं और हमारे दोस्त बनते हैं। ठीक है, माँ ने रसोई घर से क्या जवाब दिया, माँ ने पारुल को रसोई घर से क्या जवाब दिया, तो मैं आप लोग बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो माँ थी वो रसोई घर में अपना हाथ धो रही थी, तो जब पारुल ने उसको अपने माँ को बोली कि चलो माँ जल्दी बस चलने लगी, यानी यहाँ पर क्या बोली कि माँ जल्दी चलो बस निकल जाएगी, बोलते थे पारुल में बोलने लगी, तो उसकी माँ क्या बोली कि यहाँ पर हाँ हाँ तुम चलो मैं हाथ धो रही हूँ फिर तुम्हारा बस उठा कर लाती हूँ, बोलकर के वो अपनी माँ को बोलने लगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ मैं आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे और कठिन शब्द को भी अच्छे से समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ आएगा तो ये कठिन शब्द को आप लोग अपने कॉपी में लिखना और पढ़ लेना और इस तरह से अपने बुक जो है ना उसको 2-3 बार पढ़ोगे तो मैं जितना पढ़ाया हूँ और आप लोग पढ़ेगा उसमें से आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, धन्यवाद, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ।